तो गाइज वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू चैलेंज वीडियो। आप लोग देख सकते हो ये हमारा आज का चैलेंज है और हम लोगों को अपनी गाड़ी को इस पैरामिड से ऊपर यानी कि इस आगे लेकर जाना है और जितने वाली कंट्री को मिलेंगे भाई 20 लाख डॉलर मतलब कि 2 मिलियन US डॉलर। तो ये हमारी पाकिस्तान की गाड़ियाँ हैं आप लोग देख सकते हो और दूसरी साइड पर हमारी खड़ी हैं इंडियन की गाड़ियाँ मतलब इंडिया की गाड़ियाँ। यहाँ से हम लोग पहले लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से सुजुकी आल्टो। तो भाई बहुत ही छोटी गाड़ी है लेकिन देखते हैं कि क्या ये गाड़ी इस रैंप से जा पाती है कि नहीं। तो भाई अगर ये गाड़ी सही से जा पाएगी विदाउट इवन टच किए इसको तो ही इसको पॉइंट मिलेगा, अगर ये पैरामिड पे अटक गई तो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारी गाड़ी ने जंप कुछ खास नहीं लगाया है और यहाँ हमारी गाड़ी पैरामिड पे ही आ गई है मतलब अटक गई है तो इसका पॉइंट नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। तो चलिए वापस चलते हैं। तो अभी बारी है इंडिया की और इंडिया की तरफ से हमने ली है मारुति वैगनआर। तो भाई मारुति वैगनआर को हम लोग फुल स्पीड से लेकर जाते हैं और इस पैरामिड से देखते हैं कि क्या ये गाड़ी ऊपर जा सकती है कि नहीं। और यहाँ से इसको लगा जंप और आप लोग भाई जंप की हाइट देख सकते हो कितना हाई जंप लगा है हमारी मारुति वैगनआर को। और भाई हमारी मारुति वैगनआर ने बहुत ही बढ़िया जंप लगाया और यहाँ पर हमारी मारुति वैगनआर ने लैंड कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है इंडिया को और अभी बारी है पाकिस्तान की गाड़ी की। तो पाकिस्तान की तरफ से हम लोग लेंगे टोयोटा करोला आल्टिस ग्रैंडी। तो इसको यहाँ से फुल स्पीड से लेकर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या ये गाड़ी इस पैरामिड को क्रॉस कर सकती है कि नहीं। और यहाँ से हमारी गाड़ी को जंप लगा लेकिन हमारी इस गाड़ी भाई कोई खास जंप नहीं लगा पाई और यहाँ पर पैरामिड को टच कर दिया। अभी आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी डिस्क्वालीफाई हो गई, इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। तो यहाँ से भाई अपने बंदे को बाहर निकाल लेते हैं और अभी बारी है इंडिया की। इंडिया की तरफ से आप लोगों ने ली है होंडा सिटी। तो देखते हैं कि हमारी होंडा सिटी जो है वो कैसे परफॉर्म करती है इस रैम चैलेंज में। तो हम लोग फुल दौड़ा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से लेकर जा रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी इस पैरामिड को क्रॉस कर सके विदाउट इवन टच किए इसको। तो आप लोग देख सकते हो हमारी गाड़ी भाई और टच कर दिया भाई, देखो टच कर दिया मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो भाई और इसका पॉइंट नहीं मिलेगा इंडिया को। बट यार हमारी होंडा सिटी ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया लेकिन पॉइंट नहीं मिलता। तो चलिए वापस चल जाते हैं। तो अभी बारी है भाई पाकिस्तान की और पाकिस्तान से हमने ली है होंडा सिटी लेकिन ये पुराना वेरिएंट है। तो भाई हम लोग इसको लेकर जाते हैं यहाँ से फुल स्पीड से और देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी जो है वो कैसे मतलब कम्पीट करती है इस चैलेंज को। तो भाई देख सकते हो आप लोग मतलब हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी भी भाई कुछ अच्छा नहीं कर पाई और पैरामिड पर ही अटक गई, इसका कोई पॉइंट नहीं मिलता पाकिस्तान को। तो अभी बारी है इंडिया की और देखते हैं हमारी इंडिया की तरफ से मारुति स्विफ्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। तो यहाँ से भाई हम लोग अपनी मारुति स्विफ्ट को फुल लगा देंगे स्पीड ताकि हमारी मारुति स्विफ्ट सही से जा पाए। और यहाँ से लगा हमारी मारुति स्विफ्ट को जंप और आप लोग देख सकते हो जंप कुछ ज़्यादा तो नहीं है बट मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी निकल गई भाई, निकल गई हमारी गाड़ी मतलब अच्छा परफॉर्म किया, मुझे लग नहीं रहा था लेकिन फिर भी मारुति स्विफ्ट ने बढ़िया परफॉर्म किया। और यहाँ पर एक पॉइंट और मिल जाता है इंडिया को, 2 पॉइंट चुके हैं इंडिया के और यहाँ पर इसको यहीं पर खड़ा रहने देते हैं। तो अभी बारी है भाई पाकिस्तानी गाड़ी की होंडा सिविक, पाकिस्तान की तरफ से हमने ली है और भाई देखते हैं कि हमारी ये महंगी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है और देख लेते हैं। यहाँ से इसको भाई फुल स्पीड लगा रहा हूँ मैं ताकि हमारी गाड़ी सही से जा सके। अभी तक 0 पॉइंट है पाकिस्तान का, 2 पॉइंट है इंडिया के लेकिन हमारी होंडा सिविक जो है भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और यहाँ से हमारी होंडा सिविक पैरामिड को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ आ रही है और यहाँ पर हमारी गाड़ी लैंड करती है और यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाता है पाकिस्तान का। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया होंडा सिविक ने तो इसको यहाँ पर खड़ा रहने देते हैं। तो अभी बारी है भाई हमारी इंडिया की गाड़ी की और इंडिया की तरफ से टाटा पंच हमने ली है और अपनी टाटा पंच को यहाँ से सेंटर में रख के भाई सेंटर में रख लूँ मैं इसे पहले और यहाँ से इसको फुल स्पीड लगाएंगे और हमारी गाड़ी अभी जा रही है हवा में। तो देखते हैं कि टाटा पंच जो है वो कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। तो देख सकते हो आप लोग हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है और यहाँ पर इंडिया को एक और पॉइंट मिलता है और यहाँ पर 3 पॉइंट है इंडिया के और 1 पॉइंट है पाकिस्तान का। तो हम लोग इसको यहीं पे खड़ा रहने देते हैं और वापस चलते हैं और लेते हैं यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से टोयोटा लैंड क्रूज़र। तो देखते हैं हमारी टोयोटा लैंड क्रूज़र जो है वो कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। तो यहाँ से इसको सिंपल भाई सेंटर में लेकर जाके यहाँ से फुल स्पीड लगा देते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है वो पिरामिड के ऊपर से होती हुई सामने जा सके। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हमारी टोयोटा लैंड क्रूज़र ने कितना ईजिली
पास कर दिया इस चैलेंज को यार। मतलब इतनी हैवी गाड़ी है और इतनी मतलब वेट में भी ज़्यादा है, लेकिन बढ़िया परफॉर्म किया और यह हमारी गाड़ी लैंड कर चुकी है। यहाँ पर एक पॉइंट और मिलता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 2 पॉइंट, इंडिया के 3 पॉइंट। और भाई देखो हमारी गाड़ी रोल कर गई है, बट यहाँ पर इसको खड़ा रहने देते हैं। तो यहाँ बारी आती है भाई इंडिया की, और इंडिया की तरफ से हमने ली है महिंद्रा XUV 500 है ये वेरिएंट। और इसको हम लोग सेंटर में पहले कर लेते हैं और यहाँ से फुल स्पीड लगा देते हैं इसकी, ताकि भाई हमारी गाड़ी जो है वो सही से इस चैलेंज को क्रॉस कर पाए। तो देख सकते हो आप लोग भाई हमारी गाड़ी कर रही है, बट वाओ यार बहुत ही क्लोजली हमारी महिंद्रा XUV ने जो है वो इस चैलेंज को कंप्लीट किया और यहाँ से हमारी गाड़ी लैंड कर दी। और यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाता है इंडिया को, इंडिया के 4 पॉइंट, पाकिस्तान के 2 पॉइंट। तो अभी बारी है भाई पाकिस्तान की गाड़ी की। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ गए और पाकिस्तान की तरफ से लेते हैं हम लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो भाई लास्ट गाड़ी है पाकिस्तान की, तो इससे ही पता चलेगा कि पाकिस्तान इस चैलेंज में कैसा कम्पीट कर पाता है, क्योंकि अभी 2 पॉइंट है। तो देखते हैं कि ये गाड़ी कहाँ तक जा पाती है। यहाँ से हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर को जंप लगा और हमारी गाड़ी भाई देखो मतलब वाओ, ऊपर से बिल्कुल टिप के ऊपर से जो है वो होती हुई आगे की तरफ आ रही है और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म किया टोयोटा फॉर्च्यूनर पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ से एक और पॉइंट मिलता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 3 पॉइंट और इंडिया के 4 पॉइंट। यहाँ पर इसको हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर को खड़ा रहने देते हैं और वापस चलते हैं भाई। तो यहाँ पर इंडिया की बारी है और इंडिया की तरफ से हम लोगों ने ली है भाई हमारे बुलेरो। तो यार ये बुलेरो तो नहीं है, बट उससे मिलता जुलता मॉडल है। तो हम लोग भाई अपनी इस गोल्डन पेंट वाली बुलेरो को लेकर जा रहे हैं भाई फुल स्पीड से, और आप लोग इसका पेंट देख सकते हो। यहाँ से हमारी गाड़ी को जंप लगा और वाओ यार कितना बढ़िया जंप लगा यार। तो हमारी बुलेरो भी भाई टिप के ऊपर से होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर 4 पॉइंट इंडिया के 3 पॉइंट पाकिस्तान के। देखते हैं हमारी गाड़ी की लैंडिंग कैसे होती है भाई। लैंडिंग आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ही ख़राब हुई है और हमारी गाड़ी को आग भी लगी है भाई, 5 पॉइंट इंडिया के 3 पॉइंट पाकिस्तान के। तो यार प्राइज मनी जो है वो सीधा सीधा जाता है इंडिया को, जो 2 लाख 20 लाख डॉलर थे। तो वीडियो को दिल पे मत लेना, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।